दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कला दीर्घा मुंबई के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज आपको ले चलते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई। आज के कलाकार हैं संजय भट्टाचार्य। धन्यवाद दोस्तों, आपसे एक नम्र निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। संजय भट्टाचार्य बंगाल में जन्मे कोलकाता आर्ट कॉलेज से कला स्नातक हैं। संजय की कर्मभूमि दिल्ली है। इनके सोलो प्रदर्शनी को प्रस्तुत किया है गैलरी नव्या, जो दिल्ली की एक प्रतिष्ठित गैलरी है। आपको बता दें कि संजय के बनाए हुए दो राष्ट्रपतियों के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट भी राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है। एक लंबे समय तक रियलिस्टिक पेंटिंग करने वाले संजय ने फॉर्म्स और कलर को लेकर ऑब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की है, जो अपने आप में अद्भुत है। इनके अनुसार मानव इमोशन फॉर्म या लाइंस में कैनवास पर जब उतरता है, नए नए फॉर्म या शेप लेता है। जैसे टेंशन बन जाता है ट्रायंगल, नॉस्टैल्जिया बन जाता है सर्किल, कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है डॉट। इनके चित्रों में डार्क बोल्ड कलर, सिंपलिस्टिक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, परिपक्व कंपोजिशंस दर्शकों को अपने ओर आकर्षित करती हैं। आइए मिलते हैं आज के कलाकार से। मैं संजय भट्टाचार्य, मैं रेसिडेंट दिल्ली का हूँ और 1982 में मैंने पास किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से, और 83 में मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया। तो अभी काफ़ी एग्जीबिशंस कर चुके हैं और बेसिकली आई एम रियलिस्टिक पेंटर। मेरा काम जो है उसमें रियलिज्म का ही दबाव रहता है नॉर्मली, लेकिन पिछले दो साल से मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रक्शन के ऊपर। इसका एक शो दिल्ली में हुआ है लास्ट सितंबर और ये सेकंड शो हो रहा है सेम थीम का। ये एब्स्ट्रक्शन वो भी ओवरनाइट कोई हो गया ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 2006 में मैंने एक सीरीज किया था माय ट्रिब्यूट टू मास्टर्स, उसमें दाली और रेमब्रांड की कुछ एलिमेंट्स के साथ मेरे जो एलिमेंट होते थे पेंटिंग में वो असेंबल करके कुछ काम किया था। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस सर्कल्स ट्रायंगल्स दे केम दे अपीयर्ड ऑन माय कैनवस, लेकिन वो बहुत ही एक सपोर्टिव एलिमेंट था क्योंकि दाली और रेमब्रांड वो हाईलाइट थे। फिर 2012 में मैंने एक सीरीज और किया कृष्णा के ऊपर, उसमें भी ये सब शेप्स जो हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म्स वो मैंने यूज़ किया, लेकिन वो भी ज़्यादातर सपोर्टिव एलिमेंट ही था क्योंकि कृष्णा हाईलाइट था कैनवस में, कृष्णा हाईलाइट थी और ये सपोर्टिव एलिमेंट उसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब जो है जो एक फीलिंग जो एक इमेजिनेशन मेरे अंदर आया कि इंसान की जो इमोशंस होते हैं वो शेप लेता है ज्योमेट्री की, टेंशन बन जाता है ट्रायंगल, नॉस्टैल्जिया बन जाता है सर्कल्स, कंसंट्रेशन बन जाता है डॉट। वो कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने अभी ये सब जो इमेजेस हैं जो पैटर्न है जो शेप है जो फॉर्म्स है उसको मैंने डोमिनेट करने दिया कैनवस पे विदाउट एनी कृष्णा और दाली और समथिंग एल्स। मतलब अभी ये मेजर एलिमेंट बना हुआ है मेरे कैनवस में और पूरा डोमिनेशन इसे का ही है। इसके एक एडवांटेज ये मिला ये काम करते हुए कि इसमें आप जो कलर्स देख रहे हो, मेरे 65 साल के ज़िंदगी में ये कलर्स मेरे कैनवस में कभी आए नहीं जो अभी आ रहा है। इसका एक कारण है क्योंकि मैं थ्योरी ऑयल का ही यूज़ कर रहा हूँ जो डार्क टू लाइट, तो डार्केस्ट पार्ट इज ब्लैक और ये ब्लैक जो कैनवस में है वो भी मैंने डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं किया, ये इंडिगो क्रिम्शन और अल्ट्रामरीन की मिक्स करके ये कलर आए हैं। और जब सेकेंड टोन पे मैंने गया तो वो डार्क कलर जो है वो पैलेट में होते हुए मैं मिक्स किया दूसरा कलर जो पहले कभी किया नहीं मैंने, और इंडिगो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका कला अल्ट्रामरीन और क्रिम्शन के साथ जब दूसरा शेड आया, चाहे वो ब्लू हो चाहे वो ब्राउन हो चाहे वो ग्रीन हो,
वो एक डिफरेंट कलर अचीव किया मैंने। तो मेरे लिए, मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगा, मेरे लिए ये एक खुशी की सवाल है इसमें, क्योंकि पहला तो है एक नयापन काम की, और दूसरा है कि मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है ये काम की। मेरे जो पेंटर्स फ्रेंड है वो भी बोला है कि एकदम रियलिज्म से लेके यहाँ तक आ पाए हैं, ये बड़ी बात है। चाहे बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, आई हैव एंजॉयड रियली टू पेंट देम एंड दैट्स इट, दैट्स माय द लास्ट थिंग आई लुक फॉर, एंजॉयमेंट। थैंक यू। My name is Pripat Kalra, and we are showcasing a solo exhibition of works of Sanjay Bhattacharya at the Auditorium Gallery, Jahangirat Gallery. Thank you. धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपसे एक नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है या आगे और क्या देखना सुनना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।